पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कर्मचारियों की 15,000 रुपए वेतन करने की मांग को लेकर 22 जून को बोर्ड की बैठक में हंगामे के दौरान बिगड़े माहौल से चल रही रात सोमवार को समाप्त हो गई। कर्मचारी नेताओं नगर आयुक्त महापौर से वार्ता में उनकी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद कर्मचारी नेताओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर 27 तारीख से पूर्ण हड़ताल के निर्णय को वापस कर काम पर लौटने का ऐलान किया। इससे निगम प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। 22 जून को नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामे के बाद सफाई कर्मचारियों के हड़ताल करने के ऐलान में बकरीद पर सफाई ठप होने से व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पर नगर आयुक्त संजय चौहान से वार्ता के बाद उनकी ओर से सहमति मिलने पर महापौर विनोद अग्रवाल की उपस्थिति में वार्ता हुई। वार्ता में सैद्धांतिक सहमति जताकर 15,000 रुपए प्रति माह उनका वेतन करने की स्थिति बनने पर कर्मचारी नेताओं का रुख भी नरम हुआ और उन्होंने मंगलवार से होने वाली हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया। पाँच छह दौर की बातचीत में जो वेतन का मुद्दा था वो काफ़ी हद तक हल कर दिया गया है और सदन की अब कार्यकारिणी की बैठक में इसका बजट वो करके और जो भी इसकी प्रक्रिया है उसको अपना के इनका वो लगभग उसके आसपास ही बैठ जाए। 15,000 की जो मांग थी उसका हाँ उसके आसपास ही होगा। 27 तारीख से हड़ताल पर जाने की बात कह रहे थे कर। वो अब ये इन्होंने उसको वापस ले लिया है और कह दिया जब हमने इनकी मांग मान ली तो अब दिक्कत क्या है। चार चक्र की वार्ता चली और ये वार्ता कोई रहम खा के नहीं करी है नगर आयुक्त महोदय ने या माननीय महापौर जी ने। जब हम लोग अपने हक की मांग करने के लिए जब इकट्ठे हुए और हड़ताल जैसा निर्णय लिया ना चाहते हुए, मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा था क्योंकि मैं 10 लाख लोगों के बारे में भी सोच रहा था। निकट भविष्य में 29 तारीख को बकरीद का पर्व है उसको मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर मजबूरी बन गई थी हमारी चूँकि 8,400 रुपये आउटसोर्स के पाने वाले, आप दिल पे हाथ रख के सोचें क्या वो भला हो सकता है उनका? नहीं हो सकता। ये लड़ाई जायज़ थी, हक की थी। जब दोनों मुखिया एक साथ बैठे, बुलाया, आज तक नहीं बुलाया था कभी, 22 तारीख से प्रकरण चला, हमने उसका बताया भी कि आप हमें अगर अपना छोटा मानते, अपने परिवार का मानते तो हमसे पूछते भाई क्या बात है, आपकी निगरानी में सदन में बेइज्जत होते हैं, वेतन की बात तो दूसरी है। उस पर उन्होंने मंथन किया और 45 दिन की प्रक्रिया होती है 15,000 रुपये का, वो फिर प्रस्ताव पास हो के और उसमें समीक्षा करके पहली चौलाई से उसे लागू करेंगे। जब उसे लागू करेंगे उससे पूर्व 13,500 रुपये पहली जुलाई से मिलेंगे, लेकिन 45 दिन की प्रक्रिया के बाद जो छुट्टियों का है और EMI वगैरह कटता है उसको इधर रिकवर कर देंगे जिससे एक हैंडसम अमाउंट पहुंचे कर्मचारी को। बाकी का जब प्रक्रिया में आ जाएंगे तो 15,000 एक जुलाई से जब लागू करेंगे तो जब भी वो काम पूरा होगा उसका एरियर दिया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ लड़ाई का हम नाम नहीं दे सकते, परिवार के अंदर हाँ ये कह सकते हैं जब चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, तो हमने अपनी बात अपने बड़ों से रखी थी। अब महापौर जी ने उसको ये बात ज़रूर है कि 6 दिन बाद उन वो जागे या 6 दिन बाद उनको तरस आया या हमारी ताकत को एकजुटता हमारी यूनिटी हमारी जो यूनियंस हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर देख के हो सकता है ये निर्णय लिया हो। अच्छा एक चीज़ और, 27 तारीख से जो हड़ताल पर जाने की बात हो रही थी, जब मांग मियाँ पूरी हो गई तो हड़ताल जाएगी तो कर्मचारियों से क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों का धन्यवाद अदा करूंगा कि जो इस मांग को बलपूर्वक रखा, उसमें एक एक कर्मचारी, एक एक हमारी माँ बहन जो बुज़ुर्ग कर्मचारी हैं सब आज धूप में मौजूद रहे भूखे प्यासे, और उससे नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी का दिल कहीं ना कहीं धड़का कि ये हमारे तो हैं। और फिर उन्होंने बाकायदा हमें पत्रचार किया, हमें लिखित में पहली बार बुलाया गया। मैं इसके लिए महापौर और माननीय महापौर और नगराज महोदय का धन्यवाद भी अदा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।